नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सफ़र हमारा अभी जारी है और अब जा रहे हैं सिद्धवली मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ऑफिस भी है इनका। यहाँ पे जो सामने पार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो पहले तो ये पार्क था नहीं जब मैं आई थी, बट अब यहाँ पे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं लोग बाग। अरे दर्शन करने आए हैं। तो आसपास छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें हैं, सभी लोग कह रहे हैं हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। आज मंगलवार है तो आज ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए दोस्तों, इसलिए इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। तो भार्गव गया है जूते डिपॉजिट करने। टोकन संभाल लो भाई, जूते नहीं मिलेंगे नहीं तो नंगे पैर जाना पड़ेगा उधर। चलो चलो। तो दोस्तों, यह श्री सिद्धबली मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। और यहाँ से प्रवेश करते समय, क्योंकि मंदिर जो है ऊपर पहाड़ी पर है तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप आराम से धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। और सीढ़ियों की संख्या लगभग 150 के करीब है। तो दोस्तों, कैमरा लेके आगे बढ़ रहे हैं मैं और भार्गव, लेकिन पता नहीं कहाँ तक ले जाने देंगे। तो जहाँ तक ले जाने ले देंगे कैमरा, वहाँ तक मैं आपको दर्शन कराऊंगी। मंदिर में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो आप प्रसाद में चढ़ावे के लिए नारियल लाए हैं, उस नारियल को आप यहीं पर अपने आप ही तोड़ें, और तब अपना नारियल यहाँ पर तोड़ने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ आज ये भार्गव नारियल तोड़ेगा, देखते हैं। वहाँ फेंक मत देना उनका, जोर से जरा। हो गया? अरे वाह, अरे वाह, बहादुर बच्चा निकला। जय हो, जय हो। भार्गव पहली बार आया मंदिर में, ये वाले है ना? भार्गव पहली बार आया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आज तो। और लग रहा है हमें बड़ा हो गया। लाइन बनाते रहिए। तो दोस्तों, लाइन तो लंबी है पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बूढ़े लोगों को हो सकता है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ हो, तो यदि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप थोड़ा सा उनका ख्याल रखें। ऊपर से ये शेड लगा हुआ है तो अब धूप भी नहीं लग रही है, पहले जब हम आए थे तो शेड नहीं था तो नीचे फर्श भी गर्म हो जाता था तो पैर जलते थे, परंतु अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो कैसा है, बड़ा सुंदर है, चारों तरफ हरा भरा किया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, बहुत सुंदर है। आसपास पहाड़ियाँ हैं हरी भरी। तो दोस्तों, श्री सिद्धबली का यह मंदिर कोटद्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और खो नदी के किनारे स्थित है। आसपास पहाड़ियाँ हैं, हरा भरा है, बड़ा ही सुंदर व्यू है यहाँ पर, आप देखेंगे आके तो। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर। और ऐसा कहा, सुना है मैंने कि जो भी मन्नत मांगता है उसकी कामना पूरी कर देते हैं भगवान, और उसके बाद श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी जिसकी श्रद्धा है उसके अनुसार करते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं, प्रत्येक मंगलवार हुआ, शनिवार और रविवार को यहाँ पर भंडारा लगता है। तो विश्वास बहुत ज़्यादा है लोगों का इस मंदिर के प्रति। तो दोस्तों, हमारा घर भी यहीं पर कोटद्वार में ही है। तो मैं पहली बार सिद्धबली तभी आई थी जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि नवविवाहित जोड़ा यहाँ पे शादी के बाद ज़रूर आता है दर्शन के लिए।
पहले ये दोस्तों जाली नहीं थी यहाँ पर, तो नदी नीचे नदी है तो उसका जो व्यू था बड़ा क्लियर था, स्पष्ट था, अभी क्लियर नहीं है। और यहाँ से कुछ लोग नीचे चले जाते थे नहाने के लिए, तो नहाते हुए दिखाई देते थे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सामने दिखाई दे रहा है शिव जी का मंदिर, तो अब दर्शन करने यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते ही पेड़ के नीचे स्थित है श्री शनि देव जी का मंदिर, तो अब यहाँ दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद देने जा रहे हैं हम लोग भी, आप लाइन देखिए बहुत भीड़ है। तो दोस्तों आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन यहाँ पर देखिए आप विशाल भंडारा लगा हुआ है। 6 तारीख को कोई मेरठ वाले हैं, नाम नहीं लिखा हुआ है, उनकी तरफ से यहाँ पर भंडारा है, तो हम भी प्रसाद लेने जा रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है इसलिए पता नहीं चल रहा, आप दर्शन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो जा रहा है क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है इन लोगों की, कोई ना कोई खड़ा हुआ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो टिन शेड लगा हुआ है सब जगह पर, तो इसलिए दिक्कत भी नहीं है कि धूप आ रही है, आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। पहले थोड़ा कम लोग दिखाई दे रहे थे लाइन में, परंतु अब जैसे जैसे टाइम बीता मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है यहाँ पर। तो इतने सारे लोगों को भोजन कराना और उसकी व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है ये। तो दोस्तों इन लोगों को अभी धन्यवाद करना चाहिए जो इतने सारे लोगों को भोजन करा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमें भी प्रसाद मिल गया है, देखिए कद्दू की सब्जी, आलू भाजी और हलवा पूरी, सभी लोग खड़े होकर खा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब तो इन्होंने यहाँ पे स्टैंडिंग टेबल बना दिए हैं, आप अपना प्रसाद लेकर यहाँ पे खड़े होकर आराम से खा सकते हैं, ऊपर से शेड लगा हुआ है। और पहले श्रद्धालु थोड़ा कम भी थे तो बैठकर हो जाया करती थी व्यवस्था, परंतु अब जो है संख्या बढ़ गई है तो इस वजह से शायद इन्होंने ऐसा किया है, और ये ठीक भी है, इससे क्या हो रहा है फटाफट होता जा रहा है काम, और सभी को दर्शन हो रहे हैं, सभी को प्रसाद मिल जा रहा है समय से, और सब अपने अपने फिर दर्शन करके घर चले जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ महिलाएं मुझे चिमटा ढोलक वगैरह ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो यहाँ पर कीर्तन होता होगा मंगलवार के दिन, तो ये सब उसी के लिए शायद जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सिद्धबली के मंदिर के नीचे पहाड़ी से नीचे उतरकर इन्होंने यहाँ नदी में लोगों ने अपने लिए एक टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ छोटा सा, और यहाँ पे पानी में थोड़ा सा बंदा लगा के अपने लिए पूल टाइप बना लिया है, और यहाँ पर नहा रहे हैं लोग कई सारे, देखिए उधर से भी आ रहे हैं लोग, देखो और ऊपर मंदिर है आप देखिए, कई जगह बना रखे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगी एक नई खास जगह पर जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।